हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई, दानेदार खोया से बर्फी बनाएंगे हम। बहुत ही आसान तरीके से बनाकर आप इसको कोई भी फेस्टिवल हो ये मिठाई बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हमने ले लिया है दानेदार खोया या मावा, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप चाहे तो इसको दूध से भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनता है इसका। तो ये देखिए हमने लिया है खोया, तो हम एक कटोरी भरकर नाप कर बनाएंगे हम। तो गैस पर कढ़ाई रख देते, कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना है, तो केवल खोया डाल देंगे हम। तो देखिए दूसरी कटोरी में भी हमने खोया ले लिया है, तो ये भी पूरा डाल देंगे। ये देखिए पूरा खोया हमने डाल दिया है, ये दानेदार खोया है। आप चाहे तो बर्फ़ी वाला भी खोया ले सकते हैं, वो भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसको हमें चलाते हुए अच्छे से धीमी आंच पर भून लेना है। आप चाहे तो दूध से भी मावा बना सकते हैं, जो भी हो आपके पास। तो जिस कटोरी से हमने खोया लिया था, दो कटोरी खोया, तो एक कटोरी हम चीनी लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पिसा हुआ चीनी भी यूज कर सकते हैं। तो चीनी हमने डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर ही हमें इसको चलाते हुए मेल्ट करना है पूरा। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनता है ये। तो ये देखिए दोस्तों, चलाते हुए हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। तो चीनी काफ़ी मेल्ट हो चुका है, अभी थोड़ा सा बाकी है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी यूज करेंगे। आप पानी की जगह दूध भी यूज कर सकते हैं, जो भी हो आपके पास। तो हम इसमें एक कप पानी डाल दिए हैं ताकि जो चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए अब हम इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो साथ में इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, मिक्स कर देंगे। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेना है। ये देखिए दोस्तों, चलाते हुए हम इसको पका रहे हैं, काफ़ी पक चुका है। अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है अच्छे से। देखिए चलाते हुए हम इसको पका रहे हैं, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो थोड़ी देर इसको अभी हम और पका लेंगे, गाढ़ा होगा तभी बर्फी से अच्छे से बन पाएगा। तो थोड़ी देर और पका लेंगे, तो थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। इतने स्टेज पर ही हमें इसको अब एक कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए एक कटोरी भरकर हम इसमें निकाल लेते हैं पूरा, क्योंकि हम कलर डालकर थोड़ा सा बनाएंगे बर्फी। तो बराबर पर हमें निकाल लेना है। तो एक कटोरी हमने पूरा निकाल दिया है, ये देखिए। तो अब इसमें हम डाल देते हैं रेड कलर, फूड कलर है रेड वाला, फूड कलर ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं, या और कोई कलर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो कलर डालकर हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तेल की कितना गाढ़ा हो रहा है, चलाते हुए हम इसको पका रहे हैं अच्छे से। तो ये अच्छे से रेडी हो चुका है, तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे थाली में। देख सकते हैं हम कितना गाढ़ा है ये। अभी जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाता है। तो पूरा अब हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा अच्छे से निकाल लिया है। ये देखिए ठंडा कर रहे हैं हम इसको, चलाते हुए ठंडा करना है। ये देखिए जम रहा है पूरा। तो ऐसे ही आपको थाली में फैला देना है आधे घंटे तक, ताकि एकदम अच्छे से ये ठंडा हो जाए और थोड़ा सा सूख जाए। तो थोड़ी देर बाद फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद हम चेक करें, पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा हो गया। तो हमने एक थाली लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा घी लगा दिया था। तो अब इसमें हम डाल देंगे पूरा। तो जो ऑरेंज या रेड कलर वाला है, इसे अब हम पहले निकालेंगे। अच्छे से ठंडा हो गया, क्योंकि हमने 20-30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था।
तो पूरा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये जम गया है पूरा। अब थाली में हम रख लेंगे। तो ऐसे हमें चौकोर शेप में फैला लेना है पूरा अच्छे से। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनेगा, नरम नरम। अब इसको बनाइए और खाइए। बहुत ही आसान तरीके से आप दानेदार वाले खोए से भी बर्फी बना सकते हैं। देखिए पूरा हमने अच्छे से फैला दिया है, तो जो वाइट वाला है इसे भी हम पूरा निकाल लेते हैं ऐसे गोल गोल करके। फिर हमें ऑरेंज इसको ऊपर डाल देंगे पूरा। तो इसके ऊपर हम पूरा फैला देते हैं अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों हमने पूरा फैला दिया। तो चम्मच से इसको थोड़ा ऊपर की साइड मुलायम कर लेंगे पूरा बराबर से, साइड से भी बराबर कर देंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए हमने पूरा अच्छे से इसको बराबर कर दिया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये बादाम कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे। तो पूरा हमने इसको डाल दिया है, तो चम्मच से इसको हल्का हल्का दबा देंगे ताकि निकले ना। तो ये पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब इसे हम एक घंटे तक ऐसे ही फ्रीजर में भी आप रख सकते हैं या फिर बाहर ही एक दो घंटे तक रहने देंगे। तो अब हम एक घंटे बाद चेक करेंगे। दोस्तों एक हमने इसको फ्रिज में रख दिया था तो हमने निकाला है, तो एक घंटे बाद चेक कर रहे हैं। तो इसको हम कट कर लेते हैं। जिस शेप में भी आपको काटना हो छोटा बड़ा कट कर सकते हैं। तो हम छोटा छोटा साइज में ही कट करेंगे इसको। चौकोर शेप में हम पूरा कट कर लिए हैं। ये देखिए तो हम आपको एक निकाल कर भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितना नरम नरम बर्फी बना है, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। तो दूसरे एक और हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। ये दो हमने निकाल लिए, तो सभी निकाल लेते हैं। तो सभी मिठाइयाँ बर्फी को हमने एक प्लेट में निकाल दिया है पूरा। बहुत ही टेस्टी और नरम नरम बर्फी बनकर तैयार है, और वो भी दानेदार खोया से। तो आप ऐसे ही बर्फी बनाइए और खाइए बहुत ही आसान तरीके से। कभी फेस्टिवल हो आप ये बनाकर मिठाई खाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसा लगा। हम आपके लिए ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी लाते रहेंगे। अगर आपने भी ऐसी बर्फी बनाई तो हमें कमेंट में बताएं कि आपकी बर्फी कैसा बना है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।